हेलो एंड वेलकम ऑल, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, इंग्लिश की क्लासेस शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, अभी लोग आ जाइए, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की इंग्लिश की। वेरी गुड इवनिंग ऑल। वेरी गुड इवनिंग स्नेहा, वेरी गुड इवनिंग सोनी कुमारी, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार सेशन की, और हमारे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को, जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था, और कंटिन्यू करते हैं उसी क्रम को, उसी सीक्वेंस को, और कुछ आने जैसे और कुछ आए हुए क्वेश्चंस को कंबाइन करके हम लोग आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आ जाइए, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, हमें ब्लैंक्स दे रखे हैं और इन ब्लैंक्स में हमें अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फिल करना है, और हमारे सामने कुछ प्रेपोजिशंस दे रखे हैं, एट, इन, ऑन, बाय, टू, विथ, ऑफ, आफ्टर, इनटू, अबव, फ्रॉम। कुछ छोटी छोटी बातें इन सारे प्रेपोजिशन से रिलेटेड कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखिए, एट यूज किया जाता है टाइम और प्लेस के रेफरेंस में, एट यूज किया जाएगा टाइम और प्लेस के रेफरेंस में, और एट यूज करते हैं हम लोग जब हम किसी प्रिसाइज प्लेस की बात करते हैं, किसी सटीक छोटे स्थान की बात करते हैं, किसी सटीक स्थान की बात करते हैं, सटीक जगह की बात करते हैं, तो हम लोग एट से बात करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं किसी समय की बात कर रहा हूँ, और विशेष रूप से घड़ी के समय की बात कर रहा हूँ, किसी निश्चित समय की बात कर रहा हूँ, तो मैं एट यूज करता हूँ। इन यूज किया जाता है किसी भी घिरे हुए स्थान के अंदर, सराउंडेड प्लेस के अंदर। कुछ कुछ लिखते हैं, देखिए, इन यूज कर रहे हैं हम लोग किसी सराउंडेड प्लेस के ऑलरेडी अंदर, किसी घिरे हुए स्थान के ऑलरेडी अंदर के रेफरेंस में हम लोग इन यूज करते हैं। टाइम के अर्थ में भी काम में लिया जा सकेगा, इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, है ना, इस तरीके की चीजें हम लोग काम में लेते हैं। अच्छा, नाइट के अर्थ में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, नाइट में एट यूज करते हैं, ठीक है। ऑन, किसी भी सरफेस के अगर टचिंग कोई चीज है, किसी सरफेस को टच करते हुए कोई चीज है, तो हम लोग ऑन यूज करते हैं। बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, किसी सरफेस को टच करते हैं। आप लोगों के आंसर्स आने शुरू हुए। ओके, सोनी बता रहे हैं आफ्टर अबाउट फ्रॉम, ठीक है। अनुराग बता रहे हैं आफ्टर अबाउट फ्रॉम, वेरी गुड, नाइस। एक बार थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं सारी प्रपोजिशंस की, और उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, मैं बता रहा था आपको, ऑन, ऑन यूज करते हैं किसी भी सरफेस के टच करते हुए अगर कोई चीज है। जैसे मान लीजिए, मैंने टेबल पर ग्लास रखा, तो देयर इज अ ग्लास ऑन द टेबल। अगर टेबल के सरफेस को ग्लास टच कर रहा है, ऑब्वियसली, तो उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। अच्छा, अलग प्रयोग कैसे देखेंगे आप, कि मान लीजिए दीवार पर पंखा है, सो देयर इज अ फैन ऑन द वॉल, ऐसा किया जा सकता है। दीवार पर खूंटी है, तो देर इज अ पेग ऑन द वॉल, ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, छत पर पंखा है, अगर मैं ऐसी बात करना चाहता हूं, तो देर इज अ फैन ऑन द सीलिंग, ये प्रयोग किया जा सकेगा। डे डेट फेस्टिवल के लिए भी हम ऑन यूज करते हैं, बाय हम यूज करते हैं किसी समय से पहले पहले, या स्थान में किसी के पास, उस अर्थ में हम बाय यूज करते हैं, टू किसी जगह को, किसी समय को, ऐसा बताने के लिए काम में लेते हैं, विथ किसी के साथ, इसके अर्थ में काम में लिया जाता है, ऑफ किसी का, आफ्टर बाद में, इनटू अगर बाहर से अंदर की कोई गति है, इस अर्थ में हम इनटू काम में लेते हैं, और अबाउट के आसपास के बारे में, इस अर्थ में अबाउट यूज किया जाता है, फ्रॉम
किसी से, किसी जगह से या किसी समय से, स्टार्टिंग पॉइंट जब हम बताना चाहते हैं तो हम लोग फ्रॉम यूज करते हैं। नाउ अब हमारे सामने तीन क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है। दीक्षा ठाकुर बता रहे हैं आफ्टर, मिष्टि भारद्वाज बता रहे हैं आफ्टर, अबाउट फ्रॉम, दीक्षा बता रहे हैं अबाउट फ्रॉम। नाइस, देखिए द टू ब्रदर्स मेट डैश अ लॉन्ग टाइम, दो भाई लंबे समय मिले, ऐसा कुछ आना चाह रहा है। तो आप में से जिन जिन लोगों ने आंसर्स दिए हैं, लगभग सभी का आंसर ठीक है। द टू ब्रदर्स मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, दो भाई लंबे समय के बाद मिले। ग्रेट, शी आस्क्ड मी डैश माय बिजनेस, उसने मुझे मेरे बिजनेस के बारे में, तो के बारे में के लिए हमारे पास में ऑप्शन है अबाउट, शी आस्क्ड मी अबाउट माय बिजनेस, I am coming dash railway station, मैं रेलवे स्टेशन आ रहा हूं, तो I am coming to the railway station, या I am coming from the railway station, दोनों चीजें हो सकती थी। अगर मैं रेलवे स्टेशन आ रहा हूं, मेरा अगर एंडिंग पॉइंट जहां मैं पहुंचने वाला हूं, मेरा गंतव्य जिसे मैं कह सकते हैं, तो जहां मैं रीच करने वाला हूं, अगर वो रेलवे स्टेशन है तो मैं कहूंगा आई एम कमिंग टू रेलवे स्टेशन, या अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जहां से मैंने चलना शुरू किया था वो रेलवे स्टेशन है, तो मैं कहूंगा आई एम कमिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। नाइस, ओके। किरण मैम के आंसर आए हैं, ठीक है, आफ्टर अबाउट टू, बिल्कुल ठीक बात है। नेहा साहू के आंसर आए हैं आफ्टर अबाउट, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस, अगेन प्रपोजिशन का प्रश्न है हमारे सामने, तीन क्वेश्चंस हैं, प्रपोजिशन फिल करना है। देखते हैं, हाउ मेनी बॉयज इन द क्लास वे, वे डब्ल्यू ई आई जी एच, तुलना उनकी, उनका वजन है ना, तो कितने लड़कों का वजन 60 पाउंड से तुलना में, कंपेरिजन में ऊपर या नीचे, बट ऑब्वियस, हिज स्कूल इज सिचुएटेड डैश द रोड, फिनिश दिस वर्क डैश सनसेट। चलिए आंसर बताइए और फिर आगे करते हैं बातचीत। ऑप्शन है हमारे पास में अलोंग, अगेंस्ट, फॉर, अबव, विथ, इन, बिफोर, अक्रॉस, बिटवीन, ऑफ, और इनका अर्थ भी आप लोग जानते हैं, बहुत ईजी है। अलोंग किसी के साथ साथ, जैसे रिवर के पैरेलल उसके साथ साथ एक सड़क है, सो देयर इज अ रोड अलोंग द रिवर, या एक कपल समुद्र के तट के सहारे सहारे उसके साथ साथ उसके पैरेलल चले, सो द कपल वॉक्ड अलोंग द बीच, ऐसा किया जा सकता है। अगेंस्ट किसी से टिककर या किसी के खिलाफ अगर हम बातचीत करते हैं, फॉर के लिए, अबव किसी से ऊपर, विथ किसी के साथ, इन किसी में, बिफोर के पहले, अक्रॉस के दूसरी तरफ, बिटवीन दो के बीच, ऑफ किसी का। आंसर्स आप क्या रहे हैं, सोनी कुमार बता रहे हैं अबव, अक्रॉस, बिफोर, ठीक बात है। ओके, चलिए देखते हैं, हाउ मेनी बॉयज इन द क्लास, क्लास में कितने बॉयज ऐसे हैं जो 60 पाउंड से ऊपर, अबव 60 पाउंड से ऊपर वजन जिनका है, ऐसे बॉयज कितने हैं। तो ऐसे इस चीज के लिए हम लोग अबव शब्द काम में ले सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखिए, एक शब्द है ओवर, एक शब्द है अंडर, एक शब्द है अबव, एक शब्द है बिलो। ओवर, अंडर, अबव, बिलो, ये सारी चीजें, ओवर ऊपर, अबव ऊपर, अंडर नीचे, बिलो नीचे। अब ये ऊपर नीचे में अंतर क्या है, देखिए अंतर, कोई बता पाएगा मुझे? आपने आंसर्स दिए हैं बिटवीन, अक्रॉस, बिफोर, अबव, अलोंग, बिफोर, अबव, अक्रॉस, बिफोर, ग्रेट। मुझे कोई बता पाएगा
ओवर और अबव में क्या अंतर है या अंडर या बिलो में क्या अंतर है? एनीवन, ओवर और अबव दोनों में क्या अंतर है? अंडर और बिलो दोनों में क्या अंतर है? ओवर अबव दोनों ऊपर के अर्थ के शब्द हैं, अंडर बिलो दोनों नीचे के अर्थ के शब्द हैं। ओके, देखिए, अगर मैं कोई भी एक रेफरेंस लेवल सेट कर दूं, अगर मैंने कोई रेफरेंस लेवल सेट कर दिया है और उसके कंपैरिजन में ऊपर या नीचे की बात करता हूं, उस रेफरेंस लेवल के कंपैरिजन में ऊपर या कंपैरिजन में नीचे, उसके लिए हम बात करते हैं above या below। अगर मैं किसी के ऊर्ध्वाधर सीधा किसी चीज के ठीक ऊपर की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं over, और बिना टच किए ऑन और ओवर में अंतर यह है कि जब कभी मैं ऑन की बात करता हूं तो ऑन हमेशा सरफेस टच करता है, ओवर कभी सरफेस टच नहीं करता। ठीक, अबव जो है वो किसी लेवल के कंपैरिजन में ऊपर, और ओवर बिना टच किए सीधा ऊपर, अंडर किसी चीज के सीधा नीचे, और बिलो किसी रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में नीचे। जैसे मान लीजिए मैंने एक लेवल सेट कर लिया, एक लेवल सेट कर लिया मैंने कि इतना रुपए कमाने वाला व्यक्ति एक गरीबी रेखा पर होगा, तो उतने रुपए उस तय मानक से, उस सेट स्टैंडर्ड से कंपैरेटिवली कम कमाने वाला व्यक्ति बीपीएल कैटेगरी में है, बिलो पॉवर्टी लाइन, माने उस कंपैरिजन के नीचे, और उससे ज्यादा कमाने वाले अबव पॉवर्टी लाइन। डन है? तो मेरे ख्याल में मैं पॉइंट क्लियर कर पाया हूं। तो हाउ मेनी बॉयज इन द क्लास वे अबव 60 pound? 60 pound एक लेवल सेट कर दिया मैंने, उसके कंपैरिजन में ऊपर की बात कर रहा हूं, तो अब वो बात करता हूं। आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, बातचीत चल रही है। ओवर रिफर्स द थिंग्स विथ नो कॉन्टैक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। ओवर जब हम किसी कॉन्टैक्ट की बात नहीं करते, कोई टच नहीं कर रहा सरफेस, ऐसी स्थिति में ओवर की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट है, his school is situated dash the road, उसका स्कूल जो है वो रोड के साथ में है। अच्छा, कहां है रोड के तरफ, वो बात करते हैं। देखिए, एक शब्द है across, across शब्द का अर्थ है दूसरी तरफ, on the other side, तो सड़क के दूसरी तरफ उसका स्कूल सिचुएटेड है, तो हम लोग यहां पर सेकंड में ऑप्शन में काम ले रहे हैं across। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, फिनिश दिस वर्क डैश सनसेट, अपना काम कंप्लीट कर लीजिए सनसेट से पहले, सूर्यास्त से पहले, तो थर्ड में मुझे फिल करना है बिफोर और अक्रॉस। आप लोगों के आंसर्स भी यही थे, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में ब्लैंक दे रखा है और उस ब्लैंक में एक शब्द फिल करना है जो इस चीज को सूटेबली मैच करता हो। प्रश्न है मेरा, ईच ऑक्यूपेशन हैज इट्स ओन डैश, हर ऑक्यूपेशन का अपना होता है। बैंकर्स, लॉयर्स एंड कंप्यूटर प्रोफेशनल्स फॉर एग्जाम्पल ऑल यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस Which outsiders have difficulty in following? तो ऐसी क्या चीज है कि जो हर occupation का अपना अपना होता है? Option है आपके पास में merits, disadvantages, rewards और jargons. Waiting for your answers. Merit आप जानते हैं, किसी चीज के गुण, merits are किसी चीज के गुण, ठीक है। डिसएडवांटेज किसी चीज की नुकसान, हानि, ठीक है। आपके आंसर आए हैं, रिया पात्रा बता रहे हैं सी। डिसएडवांटेज किसी चीज का नुकसान, कमी, है ना, उसका हानि, उसका नुकसान क्या है। रिवॉर्ड, उसका मिलने वाला इनाम। नया शब्द शायद आप लोगों के लिए ये हो, जार्गन्स। जार्गन क्या चीज है,
सोने कुमार बता रहे हैं जार्गन, दीक्षा बता रहे हैं ए, जिस्सा जीनो बता रहे हैं बी, अनुराग बता रहे हैं डी। ओके, जार्गन, जार्गन क्या चीज है? जार्गन ऐसे शब्द, ऐसी भाषा है जो किसी पर्टिकुलर टाइप के सेक्ट के द्वारा, पर्टिकुलर टाइप के लोगों के द्वारा काम में ली जाती है और उन लोगों के अलावा उस भाषा को कोई न जानता हो, ऐसे शब्द, ऐसी वोकैबुलरी, ऐसी लैंग्वेज जो है वो जार्गन कहलाती है। तो यहां पर चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं ऐसी लैंग्वेज जो उन लोगों के अलावा आउटसाइडर्स ना जानते हो, तो यहां पर सही ऑप्शन जो सूटेबल ऑप्शन है वो है डी। आप में से बहुत सारे लोगों ने डी ऑप्शन दिया है, उसके अलावा कुछ का बी, ए, सी ऐसे आंसर्स भी आए हैं। सो द राइट आंसर हियर इज डी, जार्गन्स। ठीक, जार्गन ऐसे शब्द या ऐसी भाषा है जो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग काम में लेते हैं और उनके अलावा जो बाहरी लोग हैं वो उसे न जानते हों। ओके, मिस्टी भारद्वाज बता रहे हैं जार्गन प्रोफेशनल लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक बात है, जार्गन्स आर प्रोफेशनली यूज्ड वर्ड्स। ऑप्शन सारे ये हो गए, बिल्कुल ठीक बात है, सभी ने कोई ऑप्शन बता दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा क्वेश्चन है अगेन, दो ब्लैंक दे रखे हैं और दो दो ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास में और हम चाहते हैं कि इसमें ब्लैंक को फिल करना है। क्वेश्चन हमारे पास में, बायोलॉजिकल क्लॉक्स आर ऑफ सच डैश अडेप्टिव वैल्यू टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी वुड एक्सपेक्ट मोस्ट ऑर्गेनिजम्स टू डैश देम। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, जो कि मानवीय घड़ी है, जो जिस हिसाब से, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाना, पर्टिकुलर टाइम पे नींद आना, पर्टिकुलर टाइम पे नींद खुल जाना, तो ये सारी चीज बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी चीज है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके हिसाब से चलते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा है। नया शब्द शायद हमारे लिए ये हो, अडेप्टिव। व्हाट इज अडेप्ट? एक शब्द है अडॉप्ट। अडॉप्ट इज किसी किसी को गोद लेना। ठीक, अडेप्ट इज किसी को किसी परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अकस्टम्ड कर लेना अपने आप को, दैट इज अडेप्ट, है ना? ठीक है, चलिए क्लियर, हम लोग जानते हैं अवॉइड, किसी चीज को अवॉइड करना, उसे कंसिडर न करना, अवॉइड। मीगर छोटा, इवॉल्व निकल के सामने आना, सिग्निफिकेंट इज महत्वपूर्ण, इस शब्द का अर्थ है अगेन अवॉइड। ऑब्वियस एंड पजिस, ये हमारे सामने ऑप्शंस हैं। तो आप लोगों के आंसर सारे हैं डी डी डी, जिस्सा जीनो सोनी ने हा, सभी के आंसर सारे हैं डी। ओके, तो यहां पर सही ऑप्शन जो है वो मेरा है डी, ऑब्वियस और पजिस। बायोलॉजिकल क्लॉक्स आर ऑफ सच ऑब्वियस अडेप्टिव वैल्यू टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी वुड एक्सपेक्ट मोस्ट ऑर्गेनिजम्स टू पजस देम। ये हमारा ठीक ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन यहां पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगेन एक ब्लैंक दे रखा है और हम लोग चाहते हैं कि इसमें सही ऑप्शन क्या है उसे चुनना। क्वेश्चन इज, मैनी पीपल एट दैट टाइम बिलीव दैट स्पाइसेस हेल्प प्रिजर्व फूड, हाउएवर हॉल फाउंड दैट मैनी मार्केटेड स्पाइसेस वर डैश बैक्टीरिया मोल्ड्स एंड यीस्ट्स। आपके आंसर आ रहे हैं बी। चलिए देखते हैं, बहुत सारे लोग उस समय पर यह विश्वास करते थे, उन्हें यह लगता था, वो ये मानते थे कि स्पाइसेस जो हैं, मसाले जो हैं, वो प्रिजर्व करते हैं खाने को, खाने को सेफ रखने के लिए काम करते हैं। लेकिन हॉल नाम के एक व्यक्ति ने यह पाया कि जो मार्केट में मिलने वाले मसाले हैं उनमें बैक्टीरिया मोल्ड और यीस्ट होते हैं। ठीक, अच्छा यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, एक शब्द आया हमारे सामने हाउएवर। बहुत सारे लोग विश्वास करते थे कि मसाले खाने को प्रिजर्व करते हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है,
और उसके बाद में जब आता है हमारे सामने हाउएवर, तो हाउएवर हमेशा कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट देता है, मतलब हमें जो भी शब्द चाहिए वो एक नेगेटिव टाइप का शब्द चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। डिवॉइड ऑफ मतलब किसी से वंचित होना, हाँ, कोई चीज की कमी होना। तो अगर मैं बैक्टीरिया, मोल्ड और यीस्ट की बात करूं, डिवॉइड ऑफ तो मतलब उसमें नहीं होते, ये अगेन नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बनता है। टीमिंग विथ, किसी में बहुत ज्यादा एक साथ में एक जैसी जैसी चीज का कलेक्ट हो जाना, ये टीमिंग होता है। इम्प्रूव्ड बाय, डिस्ट्रॉयड बाय, इम्प्रूव मतलब बढ़ जाते हैं, बैक्टीरिया मोल्ड और यीस्ट के द्वारा वो स्पाइसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। डिस्ट्रॉय, खराब कर दिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो बैठता है दैट इज टीमिंग विथ, मतलब आप लोगों के आंसर आ रहे हैं डी 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 डी। ओके, देखिए बहुत सारे लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि मसाले जो हैं वो खाने को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन हॉल ने ऐसा पाया कि बैक्टीरिया मोल्ड और यीस्ट मसालों में इकट्ठे हो जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा बल्क में, वहां पर कलेक्ट हो जाते हैं, वहां पर पनप जाते हैं। टीमिंग विथ का मतलब एक तरीके से आप समझिए पनपना, किसी जगह पर बहुत ज्यादा पनप जाना, दैट इज टीमिंग विथ। तो यहां का सही ऑप्शन हमारे पास में है टीमिंग विथ। ओके, आपके आंसर आ रहे हैं डी डी, ग्रेट। ये पिछली बार के कंपैरिजन में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस हमने अलग अलग एग्जाम्स से और संभावित जो भी परिस्थितियां बनती है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने वैसे लेने की कोशिश करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ डोसाइल, डोसाइल शब्द का एंटोनिम क्या होगा बताइए, फिर बातचीत करते हैं डोसाइल शब्द क्या है इसके बारे में। ओके, आपके आंसर आए हैं बी टीमिंग, डोसाइल का एंटोनिम, उसका विपरीत शब्द हम चाह रहे हैं। देखिए डोसाइल शब्द का मतलब क्या है, डोसाइल इज मीक, भोला है ना, जिसे मैनेज किया जा सकता हो। एक शब्द है टेम, किसी को कंट्रोल करना, कंट्रोलेबल, टेमेबल, मीक, डोसाइल, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम हैं, जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता हो, मैनेज किया जा सकता हो, दैट इज डोसाइल। हमारे सामने ऑप्शन है अनमैनेजेबल, ड्यूटीफुल, सबमिसिव, पेनफुल। सबमिसिव और डोसाइल एक दूसरे के सिनोनिम हैं, लेकिन हम लोग यहां पर ढूंढ रहे हैं उसका एंटोनिम, और यहाँ पर उसका एंटोनिम हो जाएगा। आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, मिस्ट्री भारद्वाज कह रहे हैं ए, सोनी कुमारी कह रही हैं ए, बिल्कुल ठीक बात है। डोसाइल जिसको मैनेज किया जा सकता हो, जिसे टेम किया जा सकता हो, जिसे कंट्रोल किया जा सकता हो, जिसका नेचर सबमिसिव हो, सरेंडर करने वाला जिसका नेचर हो, दैट इज डोसाइल। और जिसे मैनेज नहीं किया जा सकता, डोसाइल का अपोजिट बिल्कुल, तो यहां पर हो जाएगा अनमैनेजेबल। तो सही ऑप्शन यहां पर बैठता है अनमैनेजेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ एरुडाइट, एरुडाइट शब्द का एंटोनिम क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, बताइए एरुडाइट शब्द क्या है। एरुडाइट इज विद्वान, स्कॉलर, जो पढ़ लिख के ज्ञान प्राप्त किया व्यक्ति है, स्कॉलरली पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, एरिडाइट, एजुकेटेड, लिटरेट, ये सारे लगभग आसपास के शब्द होंगे।
ऑप्शन हमारे सामने है प्रोफेशनल, स्टेटली, शॉर्ट, इग्नोरेंट। प्रोफेशनल आप जानते हैं जो किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल। स्टेटली जिसका स्टेटस हाई हो, अरे स्टेटली। शॉर्ट छोटा, इग्नोरेंट अनजान, जो ज्यादा पढ़ा लिखा ज्यादा नॉलेजबल नहीं है, दैट इज इग्नोरेंट, अनपढ़ जैसा आप कह सकते हैं। एरिडाइट इज नॉलेजबल, प्रोफेशनल आप जानते हैं, स्टेटली मैंने बताया आपको हाई स्टेटस का, शॉर्ट छोटा, इग्नोरेंट अनपढ़ जो ज्यादा जानता नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ, हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं इसका एंटोनिम, और एंटोनिम इसका सही बैठा डी, इग्नोरेंट। इसका ठीक एंटोनिम हुआ इग्नोरेंट। दीक्षा ठाकुर आंसर दे रहे हैं डी, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सोनी कुमारी का आंसर आ रहा है डी, ओके नाइस ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आंसर्स के साथ क्विक होइए। मिस्टी, नेहा, सभी के आंसर आ रहे हैं, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ कंसिलिएटरी। कंसिलिएटरी शब्द का सिनोनिम चाहिए हमें, कंसिलिएटरी का सिनोनिम, उसका पर्यायवाची। तो प्रश्न है कि कंसिलिएटरी का मतलब क्या हुआ। बाकी जो हमारे पास में ऑप्शंस है, फूलिश, सूदिंग, एडवाइजरी, वेरी प्राउड, ये तो हम लोग जानते हैं। फूलिश का मतलब है जो मूर्खतापूर्ण है, जिसमें पागलपन टाइप की चीज, मूर्खता टाइप की चीज है। सूदिंग इज किसी को शांत करने वाला। एडवाइजरी इज जो एडवाइजर्स जारी होती है, जो सलाह जारी होती है, दैट इज एडवाइजरी। जैसे कोविड के दौरान मास्क पहनना, हाथ को बार बार धोना, किसी से हाथ नहीं मिलाना, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सारी एडवाइजरी जारी हुई थी। वेरी प्राउड, बहुत ज़्यादा गर्व करना, बहुत ज़्यादा घमंड करना, ये सारे ऑप्शंस के मतलब हैं। आपके आंसर आ रहे हैं डी, डी, सी, दीक्षा बता रहे हैं सी, ओके। और कोई है ऑप्शंस, आंसर्स बताइए। चलिए देखते हैं, कंसिलिएटरी, कंसिलिएटरी शब्द का अर्थ होगा, कंसिलिएट करना माने किसी से फ्रेंडली बिहेवियर करना, किसी के बीच में फ्रेंडली, किसी के साथ दोस्ती मेंटेन हो जाना, अनबन खत्म हो जाना, ये सारा शब्द जो है वो कंसिलिएट शब्द का अर्थ होगा। हाँ, तो कंसिलिएटरी का मतलब होता है फ्रेंडली मैनर लाने वाला, शांति स्थापित करने वाला। हाँ, तो इसका ठीक सिनोनिम जो बैठता है, दैट इज सूदिंग। सूद शब्द का अर्थ होता है SOOTHE, सूद, किसी को शांत करना, टू पैसिफाई, पैसिफाई माने शांति मेंटेन करना, कंसिलिएट करना, ये सारे एक अर्थ के शब्द हुए। तो यहां पर सही ऑप्शन हुआ बी, सूदिंग। आपके आंसर आ रहे हैं ए, ओके नहीं ठीक है इस वाले क्वेश्चन में, आई गेस शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा हो। सूदिंग जो क्वेश्चन का आंसर है वो ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में किसी का एक कमेंट था, कंप्लेन थी कि सर सही आंसर साथ साथ में अलग से बताइए। तो हमने इस बार कोशिश की है कि अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा और मोल्ड किया जाए, थोड़ा और चेंज किया जाए आप लोगों के लिए, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम लोगों ने आंसर्स को इस बार अलग से हाईलाइट करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग इसे पसंद कर पा रहे हैं, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के लिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, अरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमारे सामने दे रखा है कि नीचे जो चीजें हैं ए बी सी डी, उनको अरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। ही सेड, आगे चार ऑप्शन दे रखे हैं, हियर इज अ कैट थ्रू आउट द नाइट विच हैड बीन प्लेइंग हैवॉक विद थिंग्स दैट एट द रैट। प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा बताइए। सोनी कुमारी बता रहे हैं कि सर सिनोनिम की जगह एंटोनिम पढ़ लिया गलती से। ये हमने पिछली क्लास में भी बात किया कि हमारा दिमाग जो है वो एक अलग तरीके से सेट हो जाता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। हम लोग
सही चीज को पढ़ने की हमेशा कई बार सही ऑप्शन ढूंढते ढूंढते अचानक से क्वेश्चन आता है कि इसमें से गलत ढूंढिए, या बहुत सारे सिनोनिम के क्वेश्चन के बीच में अचानक से क्वेश्चन आता है कि एंटोनिम ढूंढिए। इस चीज का एग्जाम के दौरान हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमेशा उसकी लैंग्वेज पढ़िए और फिर उसे आंसर कीजिए। 11th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। और यहां पर हमारे सामने ऑप्शंस हैं, बताइए। आपके आंसर्स आ रहे हैं बी बी। ओके ग्रेट। अच्छा बी क्यों, किस हिसाब से? क्योंकि बी अलग लग रहा है बाकी सबसे, बाकी सारे ओके। चलिए देखते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ही सेड, उसने कहा, हियर इज द कैच, ये वो बिल्ली है। अच्छा जब भी कभी हम सेंटेंस को रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन कि हमारे सामने दो चीज हमेशा कैच करने की कोशिश कीजिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और सेंटेंस में वर्ब कौन सी है। तो हमेशा इस पैटर्न को जब आप फोकस करेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सेंटेंस में वर्ब कौन है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उस चीज को कर लेंगे। तो हमारे सामने है, हियर इज द कैट, ये वो बिल्ली है, दैट एट द रैट, इसे मैं एक नंबर पे रखूं, ये वो बिल्ली है जिसने उस चूहे को खा लिया, उस चूहे को खा लिया, कौन सा चूहा? विच हैड बीन प्लेइंग हैवॉक विद थिंग्स, जो चीजों को बहुत ज्यादा, जिस चीजों को हिलाना डुलाना, दैट इज हैवॉक, किस चीज में बहुत ज्यादा हरकत करना, दैट इज हैवॉक। तो चूहा जो चीजों को हिला रहा था थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। तो मेरा ठीक सीक्वेंस बैठता है ए डी सी बी, ए डी सी बी। और आप में से जिन जिन के आंसर आए हैं बी, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये ठीक सीक्वेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस बैठेगा ए डी सी बी। ही सेड हियर इज द कैट That ate the rat which had been playing havoc with things throughout the night. ये वो बिल्ली है जिसने उस चूहे को खा लिया, जो पूरी रात चीजों को इधर उधर हिला रहा था। ये हमारे सामने क्वेश्चन हुआ। चलिए, ये रीअरेंजमेंट के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें दो दो ऑप्शन दे रखे हैं, ब्लैंक दे रखा है और हम लोग फिल करना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आई एम डैश ऑफ माई सक्सेस, मैं अपनी सक्सेस को लेकर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट हूं। बहुत माइन्यूट अंतर है, बहुत माइन्यूट अंतर है, डी ए एन टी डी ई एन टी, केवल इतना अंतर है, बताइए क्या होगा? कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट, ओके दोनों में अंतर समझिए। कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट शब्द जो है वो एक नाउन है, कॉन्फिडेंट शब्द एक नाउन है, नाउन है माने एज अ सब्जेक्ट। आपके आंसर्स आ रहे हैं कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट एडवाइज्ड लेटेस्ट राइट, कॉन्फिडेंट फर्दर एनीवन, ठीक सही आंसर। देखिए अंतर समझिए, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट में अंतर क्या है, कॉन्फिडेंट शब्द एक नाउन है और इसे एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट काम में लिया जाएगा।
जैसे इसका अर्थ होता है जिस पे विश्वास किया जाता है वह व्यक्ति। तो जैसे मैं कह दूं कि मिस्टर अमित शाह इज अ कॉन्फिडेंट ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, मोदी के विश्वास पात्र हैं अमित शाह। तो कॉन्फिडेंट शब्द जो है वो विश्वास पात्र जिसपे भरोसा किया जाता है उस शब्द के लिए कॉन्फिडेंट शब्द काम में रहते हैं। कॉन्फिडेंट शब्द एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, और यहां पर मुझे चाहिए, मैं अपनी सफलता को लेकर बहुत ज्यादा विश्वस्त हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे भरोसा है, और यहाँ पर मुझे एडजेक्टिव चाहिए, और मेरा सही ऑप्शन यहाँ पर बैठता है कॉन्फिडेंट, DENT, कॉन्फिडेंट। आई होप आप लोग अंतर समझ पा रहे हैं, ताकि आपके आंसर्स आ रहे हैं। एनीवन एडवाइज्ड फॉर द लेटेस्ट, एनीवन एडवाइज्ड लेटेस्ट, ग्रेट। चलिए देखते हैं, नो डैश एक्सप्लेनेशन ऑन दिस इश्यू प्लीज, इस मुद्दे पर और कोई आगे कोई एक्सप्लेनेशन, आगे कोई सफाई नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति कहना चाह रहा है। ऑप्शन हमारे पास में है फार्दर और फर्दर। बहुत अच्छा प्रश्न है, और कई बार इस तरीके के, इस नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फार्दर फर्दर में अंतर समझिए, जब कभी भी मैं डिस्टेंस की बात करता हूं और दूरी में कंपैरेटिवली दूर की बात करता हूं, तो मैं बात करता हूं फार्दर शब्द की। ये हमेशा डिस्टेंस को बताएगा, दूरी को बताएगा, और फर्दर हमेशा बताता है सीक्वेंस को, किसी क्रम में, किसी सीक्वेंस में आगे को बताता है। फार्दर हमेशा दूरी में आगे शब्द को बताता है, फर्दर हमेशा सीक्वेंस में आगे को बताता है, और यहां पर इसके आगे, इस क्रम में आगे मुझे और कुछ नहीं सुनना, इसके लिए सही शब्द हुआ फर्दर, FURTHER। बहुत माइन्यूट सा अंतर है स्पेलिंग में, प्लीज नोट कीजिए, जब कभी भी आप एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो बहुत माइन्यूट से अंतर से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे मार्जिन पे, बहुत छोटे छोटे अंतर पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमेशा अपने क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से पढ़िए। चलिए, इज देयर डैश इन द हॉल, क्या हॉल में कोई है, बड़ी सिंपल सी बात है, और एनीवन जो शब्द है वो यहाँ पर ठीक बैठता है, नन कोई नहीं के अर्थ में काम में लिया जाने वाला शब्द है, कोई के अर्थ में हम लोग बात करते हैं एनीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द फादर डैश द सन टू स्टॉप फाइटिंग, पिता ने बेटे को सलाह दी कि वह लड़ना बंद कर दे, और हमारे पास में ऑप्शन है एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, हमारे लास्ट क्लास में, हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि ADVISED और ADVICED, इसमें ADVICE जो शब्द है वो नाउन है और ADVISE जो वर्ब है, और हमें यहाँ पर वर्ब का पैटर्न चाहिए, और सही ऑप्शन जो बैठेगा दैट वुड बी ADVISED, एडवाइज्ड। ठीक, लास्ट क्वेश्चन इसी में, मोना एक्सक्लेम्ड शी इज एंजॉयिंग वेयरिंग हर डैश ड्रेस्ड, मोना ने एक्सक्लेम किया कि वह अपने ड्रेस को एंजॉय कर रही है पहनना। लेटर और लेटेस्ट, लेटेस्ट इस सबसे नया, और लेटर इस टाइम में, बाद में। अच्छा, यहां पर समझिए, शब्द है लेट, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है देखिए, लेट माने देरी से, इसकी कंपैरेटिव डिग्री हुई लेटर या लेटर, इनके अंतर को समझिए। लेटर माने टाइम में, बाद में, बाद में के अर्थ का शब्द है लेटर। लेटर कब होगा, जब मेरे पास में कोई दो है, दो के क्रम में जो बाद में है, कोई दो चीज मैंने बता दी हो, और उस क्रम में, उस सीक्वेंस में जो बाद की चीज है, उसके लिए हम लोग लेटर शब्द काम में लेते हैं। लेटेस्ट शब्द क्या है, लेटेस्ट मतलब है नवीनतम, सबसे नया,
सबसे नया जो है दैट इज लेटेस्ट, और लास्ट शब्द जो है उस शब्द का अर्थ है अंतिम, माने उसके बाद कुछ और नहीं आना, लेटेस्ट के बाद कुछ और नया आने की गुंजाइश बैठती है। तो ये सभी लेट की कंपैरेटिव डिग्री लेटर और लेटर दोनों है, लेट की सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट और लास्ट दोनों है, और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप यहाँ की सारी चीज आप लोग समझ पा रहे हैं, अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, इसके आंसर्स आपके सामने ये रहे। इन केस आप लोगों ने कुछ मिस कर दिया हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूटेबल आर्टिकल से ब्लैंक्स को फिल करना है। आर्टिकल आप लोग जानते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव का पोर्शन है, डिटरमिनर के अंतर्गत हम लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं, और आर्टिकल हमारे सामने होता है ए या एन या द या जीरो आर्टिकल, इनमें से कुछ न कुछ, इन सारी चीजों में पूछा जाना है। एक बार ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, आंसर्स बताइए। थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आर्टिकल्स की। ए या एन दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, ये दोनों किसी काउंटेबल सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन को बताते हैं। ए और एन हमेशा काउंटेबल सिंगुलर इंडेफिनिट को बताते हैं, द हमेशा डेफिनेट को बताता है। जो भी चीज निश्चित है उसके लिए हम लोग द यूज करते हैं। एन जो है वो कब काम में लिया जाए, अ कहां काम में लिया जाए, इसको समझिए कि अगर मेरा फॉलोइंग साउंड हिंदी स्वर, ध्यान दीजिए मेरा फॉलोइंग साउंड हिंदी स्वर अ आ ई ई में से कुछ है तो उसके लिए हम लोग एन यूज करते हैं, अदरवाइज अ यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। फ्रेड इज डैश ऑनेस्ट मैन, और ऑनेस्ट शब्द जो है उसका प्रोनंसिएशन जो है वो ह नहीं है, ऑनेस्ट ईमानदार अ से शुरू होता है, और जैसा मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि हिंदी स्वर अ आ ई ई उ ए ए ओ ओ, तो अ अगर फॉलोइंग साउंड ऐसा है तो हम लोग एन यूज करते हैं। अच्छा किसी किसी का आंसर आ रहा है द, जैसे मैं देख रहा हूँ नाजिया कह रहे हैं द, हाँ, और किसी का आंसर आ रहा है अ, ओके, तो ये कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए। यहाँ पर मेरा जो नाउन है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगाया जा सकेगा, नाउन मेरा है मैन और ये काउंटेबल सिंगुलर है, और लेकिन इस ब्लैंक का जो फॉलोइंग साउंड है वो है ऑनेस्ट, तो इस हिसाब से यहां पर जो सूटेबल आर्टिकल बनता है दैट इज एन। फ्रेड इज एन ऑनेस्ट मैन, फ्रेड एक ऑनेस्ट व्यक्ति है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि अशोका वॉज डैश जस्ट किंग, अशोका एक जस्ट राजा था। जस्ट, जस्ट माने होता है न्यायप्रिय, है ना, जो कानून न्याय जो है वो बराबर से करता है, लॉ को मेंटेन करता है, दैट इज जस्ट। तो अशोक एक न्यायप्रिय राजा था, न्याय को मेंटेन करने वाला, लॉ को, लीगैलिटी को मेंटेन करने वाला राजा था। ऐसी स्थिति में हमारे सामने ऑप्शन वही है, अशोक एक ऐसा ऐसा राजा था। तो राजा अगेन काउंटेबल सिंगुलर है, और इसके लिए मेरे पास में जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन बनता है दैट इज अ, अशोक वॉज अ जस्ट किंग, अशोक एक न्यायपूर्ण राजा था। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास में, लाइन अलाउड डैश माउस टू लीव, लाइन ने चूहे को जाने के लिए अलाउ किया। इस चीज को समझिए, माउस, माउस शब्द जो है चूहा, इट इज अगेन काउंटेबल सिंगुलर, लेकिन अब बात आती है कि ये किसी निश्चित की बात चल रही है या अनिश्चित की बात चल रही है।
देखिए जब कभी भी ऐसी बात हो कि जिस चीज जिस नाउन के बारे में हम लोग आर्टिकल लगाना चाह रहे हैं उसके बारे में बोलने वाला सुनने वाला अगर किसी तरीके की जानकारी रखता है तो हम लोग उसमें हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं, और अगर उसमें बोलने वाला सुनने वाला जानकारी नहीं रखता है तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन यूज करते हैं। तो अगर मैं किसी से बता रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेंटेंस आया कि तालाब खाली है या उसने किताब को टेबल पर रख दिया है, या एक सेंटेंस कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट, किताब जो आपको चाहिए वो प्रिंट में नहीं है, छपी हुई नहीं है। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें जो हैं वो बनती है। तो यहाँ पर सभी जगह पर देखिए, जब मैं कहता हूं कि तालाब में पानी नहीं था तो मैं किसी रैंडम तालाब की बात नहीं कर रहा हो सकता हूं, मैं किसी रैंडम तालाब की बात नहीं करता। मैं अगर किसी से ये कह रहा हूं कि जब मैं वहां गया तालाब में पानी नहीं था तो मैं किसी निश्चित तालाब, किसी नोन तालाब की बात कर रहा हूं जिसमें मैं बोलने वाला और जो सुनने वाला व्यक्ति हुआ वो दोनों उस तालाब के बारे में जानकारी रखते हैं। ऐसी स्थिति में डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। जो तुम्हें किताब चाहिए वो छपी हुई नहीं है, बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट जैसे कि, तो छपी हुई नहीं है किताब निश्चित, वो डेफिनेट बनाता है उस चीज को। तो इस तरीके से जब मैं ये कह रहा हूं कि लाइन ने माउस को लीव करने के लिए अलाउ किया, लाइन ने माउस को परमिट किया कि वो चला जाए, तो निश्चित चूहे की बात चल रही है, मतलब पहले इस चूहे के बारे में बताया जा चुका है। तो किसी रैंडम चूहे को जाने के लिए नहीं, उसी चूहा जो उसके पास रहा होगा उस चूहे को जाने के लिए बात कही। तो इस स्थिति में यहां पर आर्टिकल बैठता है द, यू हैव फिक्स्ड डैश अपॉइंटमेंट विथ डैश फिजिशियन, आपने एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया है एक फिजिशियन के साथ। अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट सूटेबल आर्टिकल इज, यू हैव फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट विथ डैश फिजिशियन, तो आपने किसी एक फिजिशियन के साथ में एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया है। विल रोमा टेक डैश पिक्चर ऑफ अस, क्या रोमा हमारी साथ में एक पिक्चर ले लेगी, इसमें सूटेबल ऑप्शन आता है विल रोमा टेक पिक्चर ऑफ अस, हमारी एक पिक्चर ले लेगी। ये ऑप्शंस ठीक थे, एन अ, ये हमारे सारे आर्टिकल्स बने। आई होप आर्टिकल से रिलेटेड कुछ जानकारी हुई आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और हमारे सामने क्वेश्चन है फिल द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड। हमारे सामने कुछ अगेन प्रपोजिशंस दे रखे हैं और इन में से किसी एक प्रपोजिशन को फिल करना है। द कॉन्स्टेबल इज डैश द स्टेशन, कॉन्स्टेबल स्टेशन मोस्ट प्रोबेबली पुलिस स्टेशन, कॉन्स्टेबल पुलिस स्टेशन है, और जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शन हमारे सामने है एक्ट ऑन ओवर अंडर, ओवर बिना टच किए ऊपर, अंडर किसी चीज के नीचे या अधीन के अर्थ में भी अंडर काम में लिया जा सकता है, ऑन किसी सरफेस को टच करते हुए ऊपर, और एक्ट किसी प्रिसाइज स्थान की जब हम बात करते हैं, किसी सटीक जगह की बात करते हैं तो हम एक्ट यूज करते हैं। ऑप्शन बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं, एक्सप्लेन अबाउट फर्स्ट स्टेटमेंट सर। ओके चलिए एक बार इसकी बात करते हैं फिर पिछला स्टेटमेंट लेते हैं। द कॉन्स्टेबल इज, जब भी कभी किसी सटीक जगह की बात की जाएगी तो हम लोग बात करते हैं एट, द कॉन्स्टेबल इज एट द स्टेशन। आप लोगों के आंसर आ रहे हैं एट 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 एट, बिल्कुल ठीक बात है, ग्रेट। चलिए मिस्टी भारद्वाज पूछना चाह रहे हैं कि पिछला स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट क्या था, एक बार उसे कंसिडर कीजिए। फ्रेड इज डैश ऑनेस्ट मैन, ये जो शब्द हुआ इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जब कभी भी ए आई ओ यू हो तो उसके साथ में एन यूज कीजिए, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे बहुत शब्द हैं जिनमें हम ए आई ओ यू के अलावा एन यूज करते हैं, या ऐसे बहुत शब्द हैं जिनमें हम ए आई ओ यू के साथ भी एन यूज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं यूनिवर्सिटी,
अगर मैं शब्द काम में ले रहा हूं यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी के लिए अगर मुझे ब्लैंक यूज करना है तो हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए शब्द काम में लेंगे अ। एक बहुत कॉमन शब्द एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं ईयर, और इसका ठीक प्रोनाउंसिएशन है यर, और इस यर के साथ भी हम लोग अ यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मैं शब्द काम में लेता हूं, अभी चुनाव हुए हैं और मैं शब्द काम में लेता हूं MLA, तो इस MLA में पहला प्रोनाउंसिएशन जो मेरे पास में आता है वो हिंदी स्वर ए ऐसा आता है, और इसके लिए भी मुझे यूज करना होता है NMLA। आई होप मैं अपने पॉइंट को क्लियर कर पा रहा हूं। जस्ट कह रहे हैं इट्स नॉट वाउल, ठीक बात है। आप शायद इस तरफ से आप सोच रहे हैं AEIU के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी फॉलोइंग प्रोनाउंसिएशन है, बाद आने वाला पहला उच्चारण अगर हिंदी स्वर अ आ ई ई में से कुछ है तो हम उसके साथ में एन यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड द क्वेश्चन इज फिल द सेंटेंस विथ करेक्ट वर्ड, द मून विल नॉट राइज डैश 6 o'clock, चांद 6 बजे से पहले नहीं उगेगा। बिफोर, पहले के अर्थ का शब्द बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बिफोर शब्द हम लोग यहाँ यूज करना चाह रहे हैं। सिंस, टिल, आफ्टर के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सिंस किसी निश्चित समय से आगे की बात जब करते हैं तो सिंस काम में लेते हैं, किसी समय तक की अगर हम बात करते हैं तो टिल बात करते हैं, आफ्टर के बाद के अर्थ का शब्द है, और यहाँ पर 6 बजे से पहले चांद नहीं उगेगा ऐसा मैं कहना चाहता हूं, तो यहाँ पर ठीक ऑप्शन जो बैठता है दर इज बिफोर। ग्रेट, आपके आंसर है बिफोर बिफोर बिफोर, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, चूज द ऑप्शन विथ ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपके सामने एक सेंटेंस दे रखा है, उसको कुछ हिस्सों में तोड़ दिया गया है और उसके किसी एक हिस्से में ग्रामेटिकल एरर है और उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। साथ साथ अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो बताइए कि उसमें क्या एरर है, उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, बताइए। सेंटेंस है आई विजिट नियाग्रा फॉल्स डैश लास्ट वीकेंड, आई विजिट नियाग्रा फॉल्स लास्ट वीकेंड, और ऑप्शंस हैं आई विजिट नियाग्रा फॉल्स लास्ट वीकेंड, नो एरर। इनमें क्या किया जाए, देखिए बता रहे हैं ए, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर किसी सेंटेंस में कभी भी कोई पास्ट का टाइम, किसी सेंटेंस में कभी भी कोई पास्ट का टाइम आ गया, पास्ट के टाइम से मेरा मतलब है लास्ट के साथ में कुछ भी दे दिया मैंने, लास्ट मंडे, लास्ट वीकेंड, लास्ट वीक, कुछ भी, हा? या बिल्कुल नाजिया बता रहे हैं विजिटेड, एक बात है, रिया बता रहे हैं ए, सोनी बता रहे हैं ए, दीक्षा बता रहे हैं ए, ग्रेट, मिस्टी बता रहे हैं विजिटेड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप लोग एकदम सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर पास्ट का कोई भी टाइम दे दिया है, जैसे लास्ट के साथ में कुछ दे दिया, या यस्टरडे दे दिया, यस्टर नाइट दे दिया, ऐसा कुछ भी, कोई पुराना समय जैसे इन 1947, या अगो शब्द दे दिया, ये सारे शब्द जो हैं वो हमेशा पास्ट को बताने वाले हैं, और जब कभी भी पास्ट का समय है तो हम लोग हमेशा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल का मतलब हुआ ऐसा यूज करेंगे, या तो वर्ब सेकंड फॉर्म, या हम लोग यूज करते हैं डिड फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके की चीज हमें यूज करनी होगी। और यहां पर हमारे सामने क्लियरली दे रखा है लास्ट वीकेंड, और जब लास्ट वीकेंड की बात है तो मैं विजिट नहीं कर सकता, मुझे करना होगा आई विजिटेड। अच्छा, यहाँ पर कॉमनली क्या चीज दी जाती है, कॉमनली क्या एक एरर बनाया जाता है उसे समझिए, कि अगर पास्ट का कोई टाइम है तो उसमें एकदम पढ़ने में ठीक लगेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे मैं कह दूं
वह दो दिन पहले आया है, और मैंने यहां पर काम में लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत, अपने ओपिनियन दीजिए। ओके, देखिए अगर मैं अगो शब्द के साथ में बात कर रहा हूं तो मैं कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में नहीं ले सकता, मुझे हमेशा पास्ट सिंपल माने अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। आई होप मैं क्लियर हूं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव करते हैं। आई विजिट को विजिटेड करना होगा, दैट्स बट ऑब्वियस एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विद ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है उसे ढूंढना है। द मैन विच वर्क्स हियर इज फ्रॉम ब्रिटेन, वो व्यक्ति जो यहां पर काम करता है वो ब्रिटेन का है, ब्रिटिश है, ये हमारे सामने चीज है। इसे कैसे किया जाएगा, इसमें कोई एरर है तो बताइए। ओके, देखिए जब कभी भी मैं किसी ह्यूमन की बात करता हूं, इंसान की बात करता हूं, तो मुझे हमेशा यूज करना चाहिए हु। जब कभी भी इंसान से रिलेटेड बात की जाए तो हमें यूज करना चाहिए हु। विच जो है वो हम लोग चीजों के लिए काम में लेते हैं, व्हाट या विच चीजों के लिए, निर्जीव चीजों के लिए काम में लेते हैं, या ज्यादा ठीक होगा मैं कहूं कि नॉन ह्यूमंस के लिए विच काम में लिया जाता है। दैट जो है वो ह्यूमन नॉन ह्यूमन दोनों के लिए काम में लिया जा सकता है। तो यहां पर जो ठीक ऑप्शन बचता है दैट इज हु। आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए लुक्रेटिव रही हो, लाभदायक रही हो।